2019 में हुए लोकसभा चुनाव 7 चरणों में करवाए गए थे। देश के बड़े राज्यों में 3 से 4 चरणों में और कुछ राज्यों में 7 चरणों में वोटिंग हुई थी। बीजेपी को उस चुनाव में 303 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 52 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। पिछली बार लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा 10 मार्च को की गई थी और 11 अप्रैल से 7 चरणों में मतदान हुआ था। वोटों की गिनती 23 मई को ही हुई थी। ऐसे में इस बार भी वोटों की गिनती मई में हो सकती है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग के अधिकारियों के जरिए होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 3 बजे होगी, जिसमें तारीखों का ऐलान किया जाएगा और पूरा शेड्यूल बताया जाएगा। इसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और नई लोकसभा का गठन उससे पहले होना है। ऐसे में कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव करवाए जा रही है, ताकि सत्ता का हस्तांतरण हो सके। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा चुनाव 6 से 7 चरणों में करवाए जा सकते हैं। यूपी और बिहार में 6 से 7 चरण में चुनाव हो सकते हैं, जबकि पूर्वोत्तर भारत में 1 चरण में वोट डाले जा रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि राजस्थान में 2 से 3 चरण में, दिल्ली पंजाब में 1 चरण में, हरियाणा में 1 चरण में वोटिंग हो सकती है। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के साथ साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का भी ऐलान कर सकता है। आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा में विधान सभाओं का कार्यकाल जून में अलग अलग तारीखों पर खत्म हो रहा है। ऐसे में इन राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के फैसले पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा, हम चाहते हैं कि आचार संहिता लगे और जल्द से जल्द चुनाव हो। हिमाचल की जनता प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ वोट करेगी। लोग पिछले 15 महीनों में किए गए झूठे वादों के लिए राज्य सरकार को करारा जवाब देने का इंतजार कर रहे हैं। 18वीं लोकसभा के लिए चुनावी तारीखों का आज यानी शनिवार 16 मार्च 2024 को भारतीय चुनाव आयोग ऐलान करेगा। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग आज यानी शनिवार 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाली है। चुनावी कार्यक्रम का ऐलान होने के साथ ही देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के साथ साथ कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का भी ऐलान करने वाले हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान शनिवार दोपहर 3 बजे किया जाएगा। दरअसल वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे में उससे पहले कई लोकसभा का गठन किया जाना है। माना जा रहा है कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी 7 चरणों में लोकसभा चुनाव करवाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान करने से पहले अधिकारियों को हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के दौरे पर भेजा था, ताकि वे चुनाव करवाए जाने वाले हालातों का जायजा ले सके। लोकसभा चुनाव में 12 लाख से अधिक मतदान केंद्रों पर करीब 97 करोड़ लोग मतदान करने वाले हैं। 543 संसदीय सीटों के लिए चुनाव अप्रैल मई के महीने में करवाए जाएंगे। इस बार संसदीय चुनाव को विपक्षी गठबंधन इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है। इंडिया गठबंधन के लिए लोकसभा चुनाव करो या मरो वाली स्थिति है। वहीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया जाएगा। इन राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल जून में अलग अलग तारीखों पर खत्म हो रहा है। पिछली बार लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 10 मार्च को ही किया गया था और 11 अप्रैल से 7 चरणों में मतदान हुआ था। वोटों की गिनती 23 मई को हुई थी। फिलहाल ओपिनियन पोल इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी को इस चुनाव में जीत हासिल हो सकती है।